हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग जस्ट बिकॉज आज मुझे वैक्सीनेशन लगवाने जाना है। सो आई थॉट कि मुझे वैक्सीनेशन व्लॉग तो डालना ही चाहिए। और वैसे तो मैं नहीं लगवाने वाली थी 21st तक, जस्ट बिकॉज कि उसके बाद फ्री स्टार्ट होने वाला था। बट सडनली हमारी स्टेट के सीएम ने कल रात को पोस्ट किया ट्विटर पे कि 159 सेंटर्स में फ्री वैक्सीनेशन लग रही है। सो आई एम गोइंग टू वन ऑफ दोज सेंटर्स जो कि मेरे घर के पास है। सो आई एम गोइंग टू गेट माय वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज टुडे। सो आई एम गोइंग टू जस्ट फ्रेशन अप और थोड़ा सा करेंगे ब्रेकफास्ट ताकि थोड़ी एनर्जी मिल जाए और वैक्सीनेशन लगवा सके। ऑल्सो गाइज, आगे ब्लॉग में बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल बटन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पनीर भुर्जी, परांठा और चाय। ये लीजी ने मम्मा का काटा, देखो कितना गंदा काटा। डबल मास्किंग डन, आई एम गोइंग टू गेट माय वैक्सीनेशन शॉट। इसे भी वैक्सीन लगवानी है आज। सो मैं पहुंच गई यहाँ पे, बट काफी भीड़ लग रही है। Was I meant to break your fall? Hey guys, so I am back home और मैंने वैक्सीन लगवा ली है। फाइनली मेरा फर्स्ट डोज कंप्लीट हो गया है। मैं चाहती थी कि मेरा फर्स्ट डोज हो जाए कंप्लीट मेरे बर्थडे से पहले, सो मैंने लगवा ली। बस अभी जो मुझे हो रहा है कि सिर्फ मेरी जो जहाँ पर मेरा इंजेक्शन लगा था वहाँ पर थोड़ी सी पेन हो रही है। अदरवाइज अभी तक तो कुछ नहीं है, आधा घंटा से ज़्यादा तो हो ही चुका मुझे वैक्सीन लगवाए। बाकी अगर आप जाएँ तो ज़रूर डबल मास्किंग करें बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। तो मैंने नीचे जो डिस्पोजेबल वाला सर्जिकल मास्क होता है वो लगाया और साथ में ऊपर N95। तो आप भी दो मास्क ज़रूर लगाएं। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अभी तक, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर सभी एक दूसरे के अंदर ऐसे घुस ही जा रहे थे। तो सोशल डिस्टेंसिंग को उन्हें ख्याल रखना चाहिए। पता नहीं लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, बस एक दूसरे में ऐसे घुसते रहते हैं। तो वैक्सीन लगने तो सभी को लग ही जानी है, तो थोड़ा सा क्यों ना वेट कर लें, अपने ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लें ताकि कोविड का ज़्यादा खतरा ना रहे। तो वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे हैं और कोरोना ना लेके आ गया हो ना। तो अब सुबह इस रूम में फ़ैन नहीं है, आई एम स्वेटिंग। अभी मैं नीचे जाती हूँ और थोड़ा सा नींबू पानी पीऊँगी और शायद मैं अगले ब्लॉग में एक बार अपडेट कर दूँगी कि वैक्सीनेशन के बाद मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं। एंड येस, आई एम हैप्पी कि मुझे फर्स्ट डोज लग गया है। एंड वहाँ पर बोल रहे थे कि 84 डेज बाद मुझे सेकेंड डोज लग सकता है। उन्होंने मेरा कोविड टेस्ट भी कर दिया, आई थिंक वो रैपिड वाला कोरोना टेस्ट था। मैंने तीसरी बार ये करवाया है और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ करवाते हुए। तो येस, आई एम हैप्पी कि मेरा वैक्सीनेशन डन हो गया। तो आप भी जाइए गाइस, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। कोविड को मात देनी है ना, तो ज़रूर वैक्सीनेशन लगवाएं। जब भी आपको मौका मिले ज़रूर लगवाएं, अब तो फ्री में लग रही है यार। और मैंने अपनी वैक्सीनेशन फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस की फ्री में लगवाई है। तो आई एम हैप्पी कि मुझे पैसे नहीं देने पड़े और मुझे वैक्सीन लग गई। एंड या वैक्सीन लगवाए भी कुछ घंटे हो चुके हैं। मैं मॉर्निंग में मुझे वैक्सीन लगी थी 12 1 बजे के करीब, 12 साढ़े 12 के करीब आई थिंक लगी थी।
और अभी 6 बज चुके हैं। अभी मैं आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स बता देती हूँ अगर मुझे कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह है तो। तो थोड़े घंटे पहले मुझे बहुत ज़्यादा मसल पेन था जहाँ पर मुझे यहाँ पर वैक्सीन लगी है, तो अभी वो नहीं है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की है। बट मेरे सिस्टर के यहाँ पर काफ़ी पेन हो रही है और उसको यहाँ पर वैसे पीछे गर्दन की तरफ भी पेन हो रही थी, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे थोड़ी देर पहले सिर भी दुख रहा था, बट आई गेस वो किसी और वजह से था, जस्ट बिकॉज वी हैड अ बैड न्यूज़ फ्रॉम आर फैमिली फ्रेंड्स। सो येस दैट्स वाई आई थिंक वो मेरा हेडेक हो रहा था। अभी के लिए तो फिलहाल मैं जितनी मुझे फीवर वगैरह नहीं है, एंड आई होप कोई और साइड इफेक्ट ना ही दिखे तो अच्छा है, होप फॉर द बेस्ट। बट बस मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहती थी कि क्या मुझे पोस्ट इफेक्ट्स हुए हैं वैक्सीनेशन के। मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ, एक पेंट्री हॉल और यू कैन से ग्रोसरी हॉल। सो मैंने अमेजोन से बिग बास्केट और बिग बाजार से मैंने मंगवाए थे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि जिसमें ज़्यादातर मेजरली स्नैक्स हैं, तो सोचा क्यों ना मैं इसी ब्लॉग में शेयर कर दूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट है ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट बी नेचुरल का जूस। इसमें मैंने हर तरह के वेरिएंट्स मंगवाए थे गाइस, अभी इसमें से बाहर निकल रही है, ओपन है वो नो। तो अभी मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, मिक्स फ्रूट जूस और पोमेग्रेनेट एंड ऑरेंज प्लस वाला मैं पूरा कंज्यूम कर चुकी हूँ। नेक्स्ट मैंने फूड चैलेंज के लिए ऑर्डर किया था ये मैदा अमेजोन से, मैदा का ब्रांड का। सो फूड चैलेंज आ रहा है जल्दी ही, बट मैं थोड़ा बहुत आलसी हो गई हूँ इन दिनों, जस्ट बिकॉज मेरे यूट्यूब चैनल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। सो दैट्स वाई गाइस मेरा बिल्कुल मन नहीं करता वीडियोस बनाने का, क्योंकि मन भी तभी करता है वीडियो बनाने का जब आपको दूसरी तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले। जब रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो किस तरह से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं ट्राई नहीं कर रही, आई ट्राइड और मैंने बहुत सारा ट्राई किया है, बट पता नहीं क्या है, थोड़ा सा भी मुझे हो ना कि हाँ ग्रोथ हो रही है तो अच्छा लगता है। अब मन को तसल्ली मिलती है और मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आई शुड ट्राई एंड वन डे आई विल डेफिनेटली सक्सीड, बट नथिंग। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये मैंने बिग बाजार से ऑर्डर की थी लूज शुगर, मुझे चीक मिल रही थी ऐसे ना मार्केट से सिर्फ 2 रुपये सस्ती मिल रही थी, बट फिर भी मैंने मंगवा ली 1 किलो थोड़ी 8 रुपीज़ की। और मैंने वहाँ से कुछ टमेटोज भी ऑर्डर किए हैं, 9 रुपीज़ केजी मिल रहे थे तो मैंने 2 केजीज ऑर्डर कर लिए। और ये मैंने 2 केक्स ऑर्डर किए हैं, मैंने ये ऑर्डर किए थे आई थिंक चॉकलेट फ्लेवर में, बट उन्होंने मुझे टूटी फ्रूटी वाला दे दिया विच इज़ रियली बैड, उनको ध्यान रखना चाहिए यार। और नेक्स्ट मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है ये हाइंस टोमेटो केचप, ज़्यादा लाल ज़्यादा गाढ़ा ज़्यादा टेस्टी, सो दिस वन इट्स रियली गुड ट्रस्ट मी। और नेक्स्ट ये जो ओपन हो चुका है, ये अगर मैं किसी वीडियो में दिखाऊँ ना ये हमेशा ओपन ही मिलता है क्योंकि इसमें सब डाका डाल लेते हैं सच बताऊँ तो। सो ये है मिलानो, ऑल टाइम फेवरेट, साथ में डार्क फैंटेसी भी बहुत अच्छी लगती है हमें। नेक्स्ट इज आवर ऑल टाइम फेवरेट, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता, दिस इज चिंग्स शेजवान चटनी। और तो मैंने बड़ा डब्बा मंगवा लिया, वैसे मेरे साथ ना धोखा हो गया, जब मैंने कार्ड में डाला था तो ये ऐसे पैक ऑफ 2 सेम प्राइस में दिखा रहा था जिस प्राइस में मैंने ये खरीदी है, बट व्हेन आई ऑर्डर्ड और जब मैंने ये रिसीव किया तो उसके बाद ये एक ही जार दिखा रहा था साइट पे भी और मुझे रिसीव भी यही हुआ। सो मेरे साथ तो धोखा हो गया ना, 2 पीस मिलने थे मुझे 1 के प्राइस पे और मिला 1 ही, इट्स रियली सैड। नेक्स्ट है ये चेरा ब्रांड से स्वीट पोटैटो स्पाइस चिप्स, इट्स रियली हेल्दी बिकॉज दीज आर स्वीट पोटैटोज नॉट रेगुलर पोटैटोज, ये मैंने बिग बाजार से ऑर्डर किया है। नेक्स्ट मुझे 2 चटनी, मतलब मुझे चटनियों का शौक है ना, तो मैंने ये राजस्थान गार्लिक चटनी ऑर्डर की है अमेजोन से और ये नॉर की शेजवान चटनी, ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई करना, सिर्फ 55 रुपीज़ की है, आप कार्ड में डाल लेना अगर कुछ भी पेंट्री से मंगा रहे हो ना तो इसे ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट दिस इज मदर्स रेसिपी मिक्स्ड पिकल, इनका पिकल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आई नो आई यूज टू ईट माई फ्रेंड्स फूड इन कॉलेज टाइम, इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज आई गेस, तो उसके पास में एक अचार होता था साथ में, तो मैं पूछ रही थी कि कौन से ब्रांड का अचार है, तो उसने बताया था मदर्स रेसिपी का, बहुत टेस्टी लगा था मुझे, सो दैट्स व्हाई मैंने ऑर्डर कर लिया। नेक्स्ट इज दिस मूंग दाल, होल मूंग दाल और कुछ ऐसी ही है ना, हरी दाल जो होती है, और ये है फटाफट भेल, आई डोंट नो इसके अंदर टेस्ट मेकर मिलेगा या नहीं या फिर सब कुछ बीच में इंक्लूडेड है, मैं इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। सो ये मैंने ऑर्डर किया है, हमारे घर में ना पोहा बहुत बनता है, सो मैंने इस बार 2 पोहे ऑर्डर किए हैं, इसके पहले मैंने बिग बास्केट से एक ऑर्डर किया था वो हम खा चुके हैं पूरा, बादाम भी ऑर्डर किए थे वो भी, मतलब उसकी पैकिंग वगैरह हमने खोल दी है,
बिग बास्केट वाला मैं ज्यादा स्टेप नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि हम सारा खा चुके हैं घर से। नेक्स्ट अगेन फॉर अ चैलेंज आई ऑर्डर्ड दिस पाउडर्ड शुगर। ऑल्सो पोहा बनाने के लिए हमने ये अमेजोन से परचेज की है, ये रोस्टेड पीनट्स आई थिंक जो भी ये पीनट्स हैं 1 kg का पैक। एंड दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम अमेजोन, दिस इज सूजी। मैंने ये स्पेशली हलवा बनवाने के लिए ऑर्डर की है और ये ना थोड़ी सी यहाँ से ना खुल गई थी तो हमने ऐसे इसको जूंडी से बना दिया ऊपर ऊपर। लास्ट है ये आमंड्स, तो पिछले वाले आमंड्स खत्म होने वाले हैं इसलिए मैंने दोबारा मंगवा लिए। ये मैंने बिग बाजार से मंगवाए हैं कामेक के कैलिफोर्नियन आमंड्स, दिस इज द 500 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। सो यस दैट्स ऑल अबाउट दिस पेंट्री हॉल। लुक एट हर, कैसे सो रही है, ये सो नहीं रही है क्योंकि जाग ही रही है। ये मम्मी को काट के सो रही है ऐसे, मम्मी को बहुत दर्द हुआ, पता नहीं इसने क्यों काटा। मम्मी तो इसको हाथ से खाना खिलाने लगे थे और इसने इतनी बुरी तरह काटा ना। अभी इसको तो चलो इंजेक्शन लगे हैं तो मम्मी ने सिर्फ टेटनस का इंजेक्शन ही लगवाया है, बाकी उनको बहुत ज़्यादा ब्लड आया, 2-3 घंटे ब्लड आते ही रहा। व्हाई यू डिड दिस टू मम्मी, व्हाई? सुबह नायका के पार्सल आया है तो मैंने ये इंटीमेट वॉश मंगवाया था और ये लीजी के लिए पॉ स्मूथ, ताकि इसके पॉ स्मूथ रहें और उनमें क्रैक्स ना पड़े। हे गाइस, सो अ लिटिल अपडेट ऑन माय पोस्ट इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। सो अभी शाम तक तो मुझे कुछ नहीं हो रहा था, फिर मैंने शाम को आई थिंक 7 बजे के करीब मैंने चाय पी है एंड उसके बाद गाइस मैं बस छत पर थोड़े से सैर वगैरह कर रही थी और मेरी लेग्स काफ़ी ज़्यादा पेन कर रही हैं, पहले भी थोड़ी बहुत कर रही थी बट उसके बाद से ज़्यादा पेन कर रही हैं और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है और काफ़ी ज़्यादा यू नो लेग्स में ना झनझनाहट सी है, पेन सी है। सो शायद मैं रात को डोलो खाकर सो जाऊँ बिकॉज मुझे पता है थोड़ा बहुत फीवर तो होगा ही, आई थिंक इट्स बेटर कि मैं पहले ही खा लूँ। सो अभी मैं फ़िलहाल ये पी रही हूँ जूस। अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखें जब भी आप वैक्सीनेशन लगवा कर आते हैं। सो फिलहाल तो मैं ये जूस पी रही हूँ एंड होप कि मुझे ज़्यादा बुखार ना हो, बाकी मैं गाइस आपको अपडेट करती रहूँगी। सो गाइस मुझे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है और मतलब बुरा भी नहीं जा रहा, मेरी लेग्स बहुत ज़्यादा पेन कर रही हैं और मुझे लगता है मुझे हल्का फीवर भी हो गया है, बहुत आई मीन इट्स रियली टफ, बहुत वीकनेस हो रही है। तो अभी मैं फिलहाल डिनर करने वाली हूँ बिकॉज उसके बाद मुझे मेडिसिन लेनी है, मैं डोलो ही खाऊंगी। सो डिनर आई थिंक इज ज़रूरी, तो हमारे घर में आज रिलेटिव्स आ गए हैं। यार क्या है आज ही एक बैड न्यूज़ सुनी अपने फैमिली फ्रेंड्स में, मुझे बहुत बुरा लगा और आज ही रिलेटिव्स आ गए, आई मीन वाई। सो अभी मैं दिखाती हूँ मैं क्या डिनर में खाने वाली हूँ। सो ये जो मैंने दोपहर को सब्जी बनाई थी वो है सम सैलेड, थोड़ी सी मैंने गोभी आलू भी ले लिया है, रोटी और ये शायद दाल है, साथ में रायता। सो आई एम गोइंग टू हैव माय डिनर। लुकिंग लाइक मिस अगेन, बट यार दवाई का और मेरा कनेक्शन बिल्कुल सही नहीं है, आई मीन डोलो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतर रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने मेडिसिन खाई है। सो अभी पानी पीऊँगी, मेरा मुँह कड़ा कड़ा सा हो गया। सो अभी मुझे मेडिसिन लिए हो गए हैं 1 से 1.5 घंटा। ट्रक में डोलो बहुत ज़्यादा काम करती है अगर आप वैक्सीनेशन लगवा रहे हो उसके बाद के पोस्ट जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसमें, तो मेरे लेग्स का पेन चला गया है, बहुत माइनर सा है, बस हेडेक हल्का सा हो रहा है और वीकनेस भी धीरे धीरे जा रही है। सो आई एम फीलिंग बेटर नाउ, आई होप कि मॉर्निंग में मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ। सो येस दैट्स इट फ्रॉम दिस ब्लॉग, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड एंजॉय तो क्या करना, बट आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो एंड डू हिट दैट लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। आई बैक सून विद अनदर वीडियो, चल बाय, टेक केयर।